हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैथ्स में एक्सपोनेंट्स। इसको हम पावर भी बोलते हैं या इंडेक्स में। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 × 2। सिंपल, आप इसको रीड कर सकते हो 2 × 2। यही 2 अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इसको बोलने में, इसको रीड करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यही अगर आपका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, तब आपको और रीड करने में इसको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उसको बोलने में डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए क्या है, मैथ्स में क्या यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट्स, कि हम इस वैल्यू को लिखेंगे पावर की फॉर्म में। 2 यहाँ पर 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 2। यहाँ पर 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 5 टाइम्स। कौन मल्टीप्लाई है, 2, तो इसलिए 2 की पावर 5। तो बेसिकली हमने यहाँ क्या किया, जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपने नीचे लिखा, और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपने लिखा ऊपर। तो 2 मल्टीप्लाई है आपका 5 टाइम्स, ऐसे ही है। कौन नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, और कितने टाइम्स हो रहा है वो चीज़ हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही हमारे एक्सपोनेंट्स हैं। कैसे, अगर हम लिखते हैं एग्जांपल 5 की पावर 2, तो ये जो 5 है ये क्या होता है, यहाँ पर बेस, 5 को बोलेंगे बेस, और 2 को बोलेंगे ये एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स। तो 5 की पावर क्या है, 2, 5 है बेस और इसकी पावर या एक्सपोनेंट है 2। इसका मतलब जो ये बेस है, बेस आपका, दो पॉइंट नोट कीजिए, बेस रिपीट करेगा इटसेल्फ, बेस तो रिपीट करेगा अपने आप को, और कितने टाइम्स रिपीट करेगा वो पावर बताएगा। पावर टेल्स हाउ मेनी टाइम्स बेस रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की पावर 2 है, इट मीन्स 5 यानी बेस कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स। 5 बेस कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स। सेम एग्जांपल अगर 5 की पावर 5 हो, तो यह 5 क्या है, बेस, कितने टाइम्स, 5 क्या बता रहा है यहाँ पर, ये जो पावर है, पावर बता रहा है, ये पावर कितने टाइम्स 5 बेस मल्टीप्लाई है, तो बेस कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 5। तो हम इसको बेस को 5 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से। और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 3 की पावर 4। अब यहाँ क्योंकि माइनस है साइन, तो इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिखा। अब यहाँ बेस क्या है, 3, और पावर क्या है, 4। बेस माइनस के साथ होगा क्योंकि उसके साइन माइनस का है, तो 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 4 टाइम्स। पावर बताएगी कितनी बार इस बेस को बार बार लिखना है, बेस को बार बार कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है, तो 4 टाइम्स लिखना है, पावर बताए। ठीक है, तो ये, तो यहाँ देखिए 3 को कितनी बार आपने लिखा, 4 टाइम्स लिखा। तो इसको बार बार लिखने के, बार बार लिख रहे हैं आप, ठीक है, थोड़ा इजी वे में हम कैसे करते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में करते हैं। तो इसलिए एक्सपोनेंट्स का पर्पज़ ये है। अगर आपको
कहा जाए कि 2/5 रैशनल नंबर भी आपके रिपीट हो सकते हैं, 2/5 6 टाइम्स लिखना है। तो एक तो आप बार बार इसको लिखें और आप डायरेक्ट बोलें कि 2/5 की पावर 6। कौन सा ज़्यादा इजी वे है? दिस वे कि आपने थोड़े से टाइम में, शॉर्ट टाइम में फुल मैसेज दे दिया, दिया कि नहीं, शॉर्ट टाइम में फुल मैसेज दे दिया कि 2/5 की पावर 6। ये है एक, आप बार बार बोलें कि 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। बार बार बोलेंगे तो लॉन्ग टाइम में फुल मैसेज जाएगा, ज़्यादा टाइम में पूरा मैसेज जाएगा। आप ये क्या है, शॉर्ट टाइम में फुल मैसेज दे। तो एक्सपोनेंट्स का यूज़ ये है कि आप शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख देते हैं। हम ये चीज़ें, ये जो बार बार लिखना पड़ रहा है, इसको हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक यूज़ है एक्सपोनेंट्स का। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस हैं आपके, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको फॉलोइंग वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अगर आपको इसको लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए कौन बार बार रिपीट हो रहा है, 5 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ। 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 1 and 2, दो बार रिपीट हो रहा है तो इसकी पावर 2। 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। -4 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 1 and 2, 2 टाइम्स। तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब इसको पावर की फॉर्म में लिखना है। तो पावर हमने दे दी 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, -4 की पावर 2। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, राइट? नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इवैल्यूएट दिस वैल्यू। आपको 4, -4 की पावर 3 दिया हुआ है एंड -5 की पावर 2, और आपस में वो क्या है, मल्टीप्लाई। इवैल्यूएट करना है यानी इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है यानी उसको आपको एक आंसर में वैल्यू निकालनी है। तो -4 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? -4 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है? 3 टाइम्स है, 3 बार है, नोट दिस पॉइंट, 3 बार है। ये वैल्यू इस तरह से नहीं है, ठीक है? स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्ट 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नो, 4 - 4 3 टाइम्स बोल रहे हैं, 3 टाइम्स, जिसके मतलब होता है 3 बार, 3 से नहीं, 3 बार मल्टीप्लाई है, ठीक है? एंड -5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 से नहीं है। इसको अब सॉल्व करते हैं। अब -4 - -4 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, -, प्लस। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, -, प्लस 5 5 = 25, 16 4 = 64 एंड 25। देन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट आएगा -1600। तो ये आपका आंसर। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक कि सिंप्लीफाई करना है यानी आपको सॉल्व करना है, सिंपल फॉर्म में सॉल्व करना है। 2 divided by 7 power 2, 3/11 power 2।
अब यहाँ देखिए जो 2/7 है, अब ये जो 2 है वो आपका इस कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर है, तो यानी 2 ऊपर वाला 2 भी न्यूमरेटर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है और 7 भी 2 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई है। सेम वे 11 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है एंड 3 भी उसके नीचे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 3/11 एंड 3/11 कंप्लीट वैल्यू, कंप्लीट फ्रैक्शन 2 टाइम मल्टीप्लाई है। अब जो कैंसिल आउट हो सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि सब आपस में क्या है, मल्टीप्लाई, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कट गई वैल्यूज। नाउ 2 2 ज़ 4, 7 7 ज़ 49, बिकॉज मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। इक्वेशन आपको ऐसे सॉल्व करना।